कुछ इस तरह से ठोकना पड़ेगा। कितना खिल चुका है ये झाड़ू, 6 महीना या साल भर का छुट्टी, पूरा बढ़िया से बाहरिएगा तब। ऐसे चलिए बाहर कर डेमो दिखाते हैं, अपना गार्डन भी बाहर सकते हैं, अपना घर भी बाहर सकते हैं, आंगना भी बाहर सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ बाहर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप लोग कितना फ्रेश बाहर आ चुका है। हाय एवरीवन, फिर से आपका नए ब्लॉग से स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलिए आज का ब्लॉग में कुछ सिखाएंगे। नारियल का झाड़ू लौक रहा है, चाकू और पिलास। चलिए नारियल का झाड़ू प्रॉपर बनाना सिखाएंगे, जो कि 6 महीना के लिए एकदम छुट्टी, जो कि बाज़ार से आप लोग खरीदते हैं उतना चलता नहीं है, सीख फेंका जाता है, सीख निकलने लगता है, छितरा जाता है, मगर हम नारियल को झाड़ू को बहान कर दिखाएंगे पूरा प्रॉपर, पूरा हैवी। चलिए यही होने वाला है ब्लॉग आज का, जो कि 6 महीना साल भर के लिए एकदम छुट्टी, अगर आराम से चलाइएगा, आराम से बाहरिएगा तो ये झाड़ू हर एक काम में आ सकता है। तो चलिए सिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, नारियल का झाड़ू है, तार है, चाकू, पिलास, यही इतना सामान ज़रूरत है, यही इतना चाहिए, चाकू चाहिए, पिलास, तार, नारियल झाड़ू। तो चलिए हम बना कर दिखाते हैं, जो कि एकदम हेवी झाड़ू बनेगा, एकदम खिला खिला सा रहेगा, जो कि बाहरने में भी अच्छा लगेगा, मन लगता है बाहरने में भी, कोई काम करने में मन लगेगा। तो चलिए अब बहाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं बहाने के लिए। एक मुठा का अंजाद लेंगे, देख सकते हैं एक मुठा का अंजाद, इसको बराबर लेकर, जो इसका जड़ होता है ना, जड़ ये वाला लौक रहा है ना, ये जड़ को काटना है पूरा फ्रेश, इसीलिए चाकू रखे हैं, देख सकते हैं पूरा जड़ को रखना है एक लकड़ी पर, काट लिए इसी तरह का एक मुठा, पूरा जड़ काटेंगे पूरा फ्रेश, जो कि बहाने में कोई दिक्कत ना हो, बने रहिएगा शुरू से एंड तक। इसको हम काट लेते हैं। देख सकते हैं गाइस, इसका जड़ जितना था काट कर पूरा बराबर कर दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग एकदम बराबर कर दिए हैं जड़ को काट कर। अब इसको तार लपटेंगे और पूरा कसेंगे, देख सकते हैं गाइस, ऐसा वाला तार लेना है, एगो काला तार आता है वो नहीं लेना है, वाइट वाला तार लेना है, और पतला होगा तो दोहरा करना होगा, दोहरा करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, गौर से देखिएगा, बढ़िया वीडियो है, जो कि एक खाली झाड़ू बहान लेने पर 6 महीना साल भर का छुट्टी हो जाता है। देख सकते हैं दोहरा कर चुके हैं, और दोहरा कर कर काट लेंगे पिलास ले, जो कि बढ़िया से दोहरा हो चुका है। तो देख सकते हैं गाइस, एक मुट्ठी ले चुके हैं पूरा फ्रेश नारियल का झाड़ू, और इसको 4 अंगूर पर तार बांधेंगे, जो कि ये देखिए तार है, जो कि मेरा पतला तार था इसीलिए दोहरा किए हैं, आप लोगों का मोटा होगा तो एक हरा चलेगा, ये देख सकते हैं ये तार अब लपेट रहे हैं। लपेट रहे हैं तार, और तार को पूरा मजबूती से बांधना है, पूरा मजबूती से इसको कस देना है। जब हाथ से नहीं कसा रहा है तो कोई चीज़ देकर, पिलास उलास चाहे रड, अब बढ़िया से तार को इस तरह से बांध कर, इसको घींच कर इसको बांधना है इस तरह से पूरा कसक, उतना भी कसक नहीं कि तार टूट जाए। ये तार कसा चुका है, तार कसा चुका है, जो कि 4 अंगूर का दूरी पर है तार, और इसको ठोक कर 2 अंगूर पलाना है, इसको ठोक कर चाकू से, और 2 अंगूर पलाना है। तो चलिए ठोकते हैं इस तरह से, पूरा ठोक ठोक कर 2 अंगूर पलाना है, तब जाकर पूरा मजबूती होगा। देख सकते हैं गाइस, ठोकते रहिएगा तो कमज़ोर कमज़ोर सीख टूटने लगता है, तो इसको बढ़िया से लकड़ी पर रख कर काट दीजिए, जो कि पूरा सिंपल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इस तरह से। तो 2 अंगूर तक ठोक चुके हैं गाइस, देख सकते हैं 2 अंगूर हो गया, जो कि कंप्लीट इसको ठोक चुके हैं, इसको काट कर बराबर कर लेते हैं,
जो कि फालतू वेस्ट सीक निकला हुआ है, इसको इस तरह से पूरा काट कर फ्रेश बराबर कर लिए। देख सकते हैं बराबर कर चुके हैं, जो कि दो अंगूर पर ठोक भी चुके हैं पूरा तार कस कर, देख सकते हैं। अभी इसमें बाकी रह गया, आप लोग सोचिएगा कि हो गया, अभी नहीं हुआ है। इसमें एक डांटा ठोकेंगे, जो कि डांटा ठोकाएगा तो एकदम फ्रेश झाड़ू हो जाएगा, जो कि घर का झोल होता है, झोल आप लोग समझ रहे हैं, झोल जाली मकरा जो घर में हो जाता है आराम से इजीली एकदम, ना कुछ पर सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा ना कुर्सी पर चढ़ना पड़ेगा, एकदम खड़े खड़े डांटा के सहारे यही झाड़ू के सहारे पूरा एक एक जाल मरा जाएगा, और जो कि बहरा भी जाएगा, आंगना उगना आप लोग बाहर सकते हैं अपना, गार्डन उडन हर एक चीज़ में ये काम आ सकता है। तो चलिए अब इसमें एक डांटा ठोकना है, और डांटा ठोका जाएगा तो समझ लीजिए कम्प्लीट झाड़ू बहना गया। तो इसमें केवल अब डांटा ठोकना बाकी है। तो देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह का डांटा है, जो कि एक से डेढ़ इंच का मोटा है, देख सकते हैं इतना मोटा है, ज़्यादा नहीं, और चार से पाँच फीट का लंबाई है इसका, यही है डांटा। जो कि मुंह पर हल्का चोंख करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी चोंख है, हल्का मुँह या थूथ हो गया तो इसको और चोंख करेंगे। आप लोग पास बराबर डांटा रहेगा इस तरह का तो उसको छील लीजिएगा कम से कम छः अंगूर का अंदाज से। तो चलिए इसको और चोंख करते हैं। तो छिला चुका है गाइस, ये देख सकते हैं कितना चोंख हो चुका है, जो कि यही झाड़ू का बीचों बीच ठोकना है, और ठोका जाएगा पूरा बढ़िया से तो ये झाड़ू भी खिल जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, जो कि हर काम में आता है। चलिए अब ठोक कर बताते हैं। देख सकते हैं गाइस यही ठोकने का प्रोसेस बता रहे हैं, देख लीजिए बीचों बीच जो झाड़ू बहनाया है पूरा इसका बीचे बीच किनारे नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा, मिला लीजिएगा अपने से, जो कि हम मिला चुके हैं, एकदम बीचे बीच हो चुका है। देख सकते हैं गाइस पूरा बीचे बीच हो चुका है। तो चलिए इसको हम ठोकते हैं, और नीचे रह कर पूरा इसको बैठा लेना है। अब बैठाने के बाद इसको पत्थर पर ले चलकर ठोकेंगे। तो चलिए पत्थर पर ठोकते हैं, ये देख सकते हैं पत्थर है, कुछ इस तरह से ठोकना पड़ेगा तब जाकर बढ़िया होगा और दिखाई देगा। इसको ठोक लेते हैं पत्थर पर, तो देख सकते हैं गाइस कुछ बढ़िया से ठोक ठाक कर कुछ इस तरह से हाथ करना है, फैलाना है, जो कि और मजबूती से ठोका और बढ़िया खिले ये झाड़ू। जो कि फर्स्ट में बहानिएगा झाड़ू तो एक आध गो सीक निकलेगा, उससे घबराना नहीं है कि निकल रहा है खराब बहना रहा है, चिंता करने का बात नहीं है। जो कि फर्स्ट में बहानिएगा तो एक आध गो सीक निकलबे करेगा, तो बने रहिएगा शुरू से एंड तक, पूरा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, हर एक चीज़ में ये काम आ सकता है, घर का जाली मारना, खड़े खड़े बाहरना, जो कि कमर में दर्द नहीं होगा। तो देख सकते हैं गाइस अभी थोड़ा ही ठोकाया है, जो कि इतना झाड़ू खिल चुका है, अभी और खिलेगा, जो कि देखने में और अच्छा लगेगा। अब आपको यूज कर भी दिखाएंगे कि इससे कितना शानदार बहराएगा, जो कि हर एक काम हो सकता है इसलिए, बने रहिएगा शुरू से एंड तक। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा, जो कि बीच बीच में ऐसे हाथ फेरना है, जो कि झाड़ू और बढ़िया से फैल सके, जो कि ये खाली बहना जाएगा तो 6 महीना या साल भर का छुट्टी, पूरा बढ़िया से बहरिएगा तब। देख सकते हैं गाइस कितना खिल चुका है ये झाड़ू, जो कि केवल तार से लपटे थे, डांटा नहीं ठोकाया था तो ऐसा नहीं था। ये डांटा ठोकने पर देख सकते हैं कि कैसा हो चुका है, और थोड़ा सा ठोकना है, ये देख सकते हैं गाइस पूरा कंप्लीट ठोका चुका है, जो कि ठोकना ज़्यादा नहीं है। अब समझ लीजिए ये डांटा ठोकाया है यहाँ तक, 8 अंगूर केवल डांटा ठोकना है, 8 अंगूर से ज़्यादा नहीं, न तो ये आपका झाड़ू खराब हो सकता है। जो कि देख सकते हैं कितना फ्रेश और कितना खिल चुका है ये झाड़ू, अभी भी ये में एक चीज़ बाकी है, जो कि इसमें प्लास्टिक बहनेंगे गोले गोले, जो कि और देखने में खूबसूरत और बेहतर लगेगा। तो चलिए प्लास्टिक बहन कर दिखाते हैं। कहेंगे गाइस इस तरह का एक प्लास्टिक, आप लोग पास प्लास्टिक भी नहीं है तो रस्सी चलेगा, किसी तरह का रस्सी पतला, हमारे पास ये प्लास्टिक है तो इसी से हम बहनेंगे। बहनने से क्या होगा, झाड़ू का खूबसूरती बढ़ जाएगा और झाड़ू का उर्दुआ भी बढ़ जाएगा, जो कि झाड़ू ऐसे निकल निकल कर बाहरते समय
चाहे झोल झाल माकरा उकरा झाड़ते समय टूटेगा नहीं ये बांध देने पर। तो चलिए इसको हम बांधते हैं। तो चलिए गाइस हम बांध लेते हैं झाड़ू में प्लास्टिक। आप लोग पास प्लास्टिक नहीं होगा तो भी चलेगा, रस्सी कोई ले लीजिएगा पतला सा रस्सी, इससे ये होता है कि झाड़ू बचा रहता है जो कि बढ़नी भी बुलाता है। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा, हम इसको झाड़ू बोलते हैं नारियल झाड़ू और ना तो बढ़नी। अब आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से बहन रहे हैं जो कि पूरा कंप्लीट बहना जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और झाड़ू और मजबूती इसमें डबल हो जाएगा, मतलब समझ लीजिए झाड़ू में मजबूती डबल हो जाएगा ये प्लास्टिक बहनने पर। देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं गाइस गोले गोले बहना चुका है। और इसका बहनने का तरीका देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे नहीं बहनना है, ये अंदर वाला प्लास्टिक में घुसा कर ऐसे इसको घींच कर बहनना है जो कि बुझाएगा भी नहीं। एक गाँठ आओ लगाएंगे जो कि और मजबूत होगा, गिरा भी नहीं खुलेगा। ये देखिए, देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से लग रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है खूबसूरत ये प्लास्टिक बहना जाने पर। आप लोग पास प्लास्टिक नहीं है तो रस्सी भी बहन सकते हैं, बहनने से ये होगा हम बोल दिए हैं कि ये झाड़ू बहारते समय चाहे कोई काम करते समय ये वाला टूटने नहीं देगा, ये वाला टूटने नहीं देगा जो कि मजबूती रहता है। ये इसका बहनने का यही मकसद है जो कि झाड़ू बचाए रहता है, ये काफ़ी बचाए रहता है ये झाड़ू। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से झाड़ू हो गया, देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से झाड़ू हो चुका है। पानी इसलिए लाए हैं झाड़ू बहन लिए, आप झाड़ू में थोड़ा पानी डालना है ये जड़ में जो कि फर्स्ट में बहन रहे हैं झाड़ू, तो बहनने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए जो कि पूरा लचुमक ऐसा सड़ जाए, पूरा हाई मजबूती से पकड़ लीजिए झाड़ू। देख सकते हैं डाल दिए, पानी डाला गया गाइस, पानी डाला गया। आई ध्यान रहे अगर बहन लिए आप कोई काम हो रहा है बहारने से पहले अगर झाड़ू उठाते हैं चाहे बढ़नी उठाते हैं बहारने से पहले इसमें एक गिलास ज़रूर पानी डालें इसमें, ना तो पानी डाल कर नहीं बहारिएगा, ऐसी बहारिएगा तो यहाँ से झाड़ू निकल कर फेंका जाएगा। तो इतना मेहनत से आप लोग बहनेंगे झाड़ू या बहन रहे हैं तो इसको बहारने से पहले यहाँ ज़रूर पानी डालें, नहीं डालिएगा तो फेंका जाएगा। ऐसे चलिए बाहर कर डेमो दिखाते हैं, चलिए गाइस बाहर कर दिखाते हैं। झुकना भी नहीं पड़ेगा, कमर में दर्द भी नहीं होगा, खड़े खड़े सब काम कर लीजिएगा। आप अपना गार्डन भी बाहर सकते हैं, अपना घर भी बाहर सकते हैं, आंगना भी बाहर सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ बाहर सकते हैं आप। तो चलिए आप पूरा क्लीन बाहर आएगा, पूरा क्लीन देख सकते हैं, बाहरने का यही तरीका है। इधर आइए, इधर आइए, पूरा ऐसे बाहरिए, पूरा क्लियर पूरा फ्रेश। बाहरते समय देख लीजिए बाएं हाथ इस तरह से पकड़ना है और दाहिने हाथ इस तरह से जो कि टाइट खड़ा हो जाइए, अब ऐसे बाहरना है। देख सकते हैं एकदम हम टाइट खड़ा हैं, थोड़ा सा भी नहीं झुक पा रहे हैं, नहीं झुक रहे हैं, थोड़ा सा भी नहीं झुक रहे हैं जो कि देख सकते हैं पूरा कितना क्लीन बहरा चुका है, पूरा फ्रेश देख सकते हैं आप लोग कितना फ्रेश बहरा चुका है। अब चलिए एक और काम कर दिखा रहे हैं, जाली मार कर दिखा रहे हैं जो कि झोल जो कि माकरा लगा देता है काफ़ी सारा झोल घर में कोना कोना में। तो ये देख सकते हैं इस तरह से खड़ा खड़ा पूरा फ्रेश झोल मरा जा रहा है जो कि पूरा क्लीनिंग अपना घर में मार सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं, जो कि प्लास्टिक वाला आता है उछलता नहीं है, टूट जाता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आइए देख सकते हैं कितना पूरा फ्रेश, हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा डेमो कि इस तरह से मराता है, पूरा फ्रेश पूरा क्लियर पूरा बेहतर देख सकते हैं मरा चुका है। जो कि ये झाड़ू में बहुत गुण है जो कि मार्केट में बेचाता है मूठा वाला झाड़ू बहन कर देते हैं लोग, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, सीख निकल निकल कर फेंका जाता है, कुछ दिन के बाद छितरा जाता है। आ इसलिए क्या है इसको पूरा अपना मजबूती से बांध दिए तार से, इसमें डंटा ठोक दिए लाठी, आइए हो गया कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है। आइए सेफ्टी बेल्ट जो कि गाड़ी में होता है सेफ्टी बेल्ट, ये झाड़ू का सेफ्टी बेल्ट है जो कि झाड़ू को नहीं टूटने देगा, देख सकते हैं झाड़ू को नहीं टूटने देगा, लंबा समय तक चलता है।
मगर हाँ ध्यान रहे, एक बार और दोहरा देते हैं, बहारने से पहले इसमें पानी ज़रूर डालें, एक गिलास, केवल एक गिलास। और इसको सुरक्षित जगह रख दें, धूप में ना रखें, पानी वाला जगह पर ना रखें, ना तो ये सड़ सकता है। पानी में रखिएगा तो धूप में रखिएगा तो ये पूरा सूख कर पूरा पटपटा जाएगा। तो इसको छाँह में रखें, पूरा छाँह में, ठंडा जगह पर, पानी में मत रखिए और धूप में मत रखिए, इसको ठंडा जगह पर रखिए, फ्रेश रहेगा और लंबा समय तक चलेगा। समझ लीजिए एक झाड़ू बहन लिए तो आपका 6 महीना या साल भर का छुट्टी, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं लेना है, जो कि इसी से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, झाड़ू बहनने का प्रोसेस आप लोगों को बताइए चुके हैं, कैसे बहनना है, क्या करना है, जो कि पूरा बढ़िया से बता चुके हैं, पूरा बारीकी से। ये देखिए सकते हैं कुछ इस तरह से झाड़ू बहना कर लौकता है रहता है। तो चलिए चाहेंगे वीडियो यहीं पर एंड करने के लिए। अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक ज़रूर ठोकिएगा। तो चलिए और एक ज़रूरी बात बता दें, हम आपको फिर से दोहरा दे रहे हैं, बहारने से पहले यहाँ पानी डालना है ज़रूर, धूप में नहीं रखना है, पानी में नहीं रखना है। सुता कर झाड़ू रखिए चलेगा, मगर कोशिश कीजिए कि सुता कर झाड़ू नहीं रखें, इस तरह से रखिए झाड़ू, अन्यथा कुछ इस तरह से रखिए झाड़ू, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।